देखो, दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है। वैसे भी अगर हेयर ग्रोथ होगा तो हेयर फॉल होना भी नॉर्मल है, पर हेयर लॉस और हेयर फॉल दोनों में फर्क है। अगर हेयर फॉल इतना हो जाए जिससे स्कैल्प की स्किन दिखने लगे, तब समझ लेना ये हेयर लॉस है। अब इसके इलाज करना है और इसके लिए एक महीने तक इस हेयर केयर रूटीन को फॉलो करके देख लो। देखना हेयर लॉस कम होकर हेयर कैसे कमर तक आ जाती है। और इस वीडियो की एंड में मैं आपको एक सुपर फूड की नाम भी बताऊंगी जिसको मैं खुद लेती हूँ और इसीलिए मेरे बाल हमेशा इतना लंबा और खूबसूरत रहती है। सबसे पहला स्टेप, एंटी हेयर लॉस सीरम। इसके लिए एक बोल में एक चम्मच करके चावल और मेथी सीड्स और रोजमेरी के पत्ते ले लो और फिर इसमें डाल दो एक कप गर्म पानी को और इसे ऐसे ढक कर रात भर के लिए छोड़ दो। अगर रोजमेरी के पत्ते आपके पास ना हो तो चिंता मत करना, आप बस मेथी और चावल इन दोनों को ही ले लेना। अब नेक्स्ट डे पानी को छान लो और देखो पानी का कलर यहाँ पर कैसे मिल्की वाइट जैसा लग रहा है। अब इस पानी में हाफ छोटी कटोरी प्याज के रस को डाल दो और साथ में डाल दो एक चम्मच एलोवेरा जेल और 3 विटामिन ई कैप्सूल की ऑयल को। अब सारे चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद ये जो मिक्सचर बनेगा इसे आपको लगाना है हेयर लॉस के जगह पर। इसको लगाने से ये स्कैल्प में जाकर उस जगह की हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा जिससे एक एक करके वो सारी जगह पर नए बाल उगने लगेगा जिस जिस जगह पर हेयर लॉस हुई थी, जिससे आप देखोगे बस 2 से 3 हफ्ते में ही अचानक से आपके बालों के गिरना कितना कम हो जाता है और बाल पहले से भी बहुत ज़्यादा घना दिखने लगेगा। बालों की स्कैल्प अब बालों से भरा हुआ दिखेगा। आप चाहो तो इस सीरम को किसी भी कंटेनर में भर कर फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो जिससे ये आराम से 7 से 8 दिन तक चला जाएगा। आपको रोज बनाने की झंझट नहीं होगा और हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जरूर लगाइए, लगातार 1 महीने तक। फिर देखना क्या कमाल हो जाता है आपके बालों के साथ। इस सीरम को आपको शैम्पू करने की 1 घंटे पहले लगाना है और आप चाहो तो सीरम को लगाने के बाद नेचुरल शैम्पू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके लिए 1 चम्मच रीठा पाउडर और 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर दोनों को एक साथ लेकर उसमें गर्म पानी डाल दो और फिर इन्हें अच्छे से शेक कर लो। देखना इसका झाग बनना शुरू हो जाएगा। अब बस इस झाग को लेकर हेयर वॉश कर लेना है। ये नेचुरल शैम्पू आपके बालों की स्कैल्प को क्लींस करके नए बालों को पोषण देने में हेल्प करेगा। पर हाँ, जिन्होंने बालों को रिबॉन्डिंग किया है वो इस शैम्पू को मत लगाना, इससे उनका रिबॉन्डिंग खराब हो सकता है। ये तो गई बाहर से हेयर के इलाज, अब आपको अंदर से भी अच्छा डाइट लेकर बालों को पोषण देना है, जिसके लिए मैं एक सुपर फूड आपको बताती हूँ जो मैं हर रोज लेती हूँ अपने डाइट में, जिसके लिए आपको 1 चम्मच चिया सीड्स को गर्म पानी में 20 मिनट तक भिगोकर रख देना है। 20 मिनट बाद चिया सीड्स ऐसे फूल जाएगा। अब इसे 1 ग्लास पानी में डाल दो और साथ में डाल दो 1/2 नींबू का रस और टेस्ट के लिए 1 चुटकी पिंक सॉल्ट को। अब इस चिया सीड्स की ड्रिंक को हर रोज आपको पीना है। आयुर्वेद में जिंक, कॉपर और एसेंशियल्स मिनरल्स से भरपूर चिया सीड्स को बालों के लिए पावर हाउस माना जाता है, जो हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करके हेयर ग्रोथ में मदद करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को देखकर चले मत जाना,
वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना। शायद आपका ना हो, पर इससे हो सकता है उनकी बहुत हेल्प हो जाए।